विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर से जारी नामांकन फार्म जमा करने का सिलसिला अब तेज हो चला है। 5 नवंबर को बालाघाट विधानसभा से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन फार्म जमा किया। अनुराग चतुर्मोहता ने कांग्रेस पार्टी से नाम निर्देशन पत्र जमा किया तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मनीषा वैद्य ने फार्म भरा। इस दौरान उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन जमा करने पहुंची मनीषा वैद्य ने गर्रा से रैली निकाली। यह रैली रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने नामांकन को लेकर कहा कि परिवारवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है। साथ ही क्षेत्र की कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर वे लोगों के बीच कुछ नया करने के मकसद से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही है। उनके नामांकन दाखिले के दौरान आम जनता के साथ ही उनके पति नानू वैद्य भी मौजूद रहे। नामांकन हमने आज दाखिल किया है, जो कि परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ और हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बस यही उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि जनता के बीच एक अच्छा कैंडिडेट आए, जो कि जनता के लिए जनता के बीच रह के काम कर सके। क्या मुख्य मोटो लेके आप जाएंगे जनता के बीच? जनता के बीच में ये मोटो लेके जाएंगे, एक तो जनता जो कृषि के क्षेत्र में बहुत परेशान हो रही है, तो हम चाहेंगे कि हम किसी तरीके से कुछ ऐसा हो कि हम पद में आके जनता की समस्याओं को, कृषि संबंधी समस्याओं का निराकरण कर सकें। दूसरा, एक जो शराब की विकृति हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए हम ये सोचेंगे कि किसी तरीके से वो हम बंद करवा सकें। और दूसरा, परिवारवाद के खिलाफ का मोटो तो आप सभी को मालूम है। परिवारवाद किसमें है? परिवारवाद, वंशवाद और परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप? सारी पार्टियों में देख लीजिए ना, परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा सारी पार्टियों में। अभी किस पार्टी से आप? अभी हम निर्दलीय से हैं।